हेलो गाइस, ये सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है और इस लेक्चर में हम सीखेंगे कि वेरिएबल्स को यूज़ करके हम इनपुट आउटपुट के और साथ में हम एक छोटा सा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम बनाने वाले हैं, जिसके अंदर अभी तक जो हमने सीखा वो हम सब कुछ यूज़ करने वाले हैं। एक तरह से ये एक एग्जांपल वीडियो होगी जिससे आप एक आइडिया ले सकते हो कि हम एक सी प्लस प्लस का मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम कैसे बना सकते हैं, जैसे कि यूज़र आए, अपनी चॉइस पुट करे और अपनी वैल्यूज डाले, आंसर निकाले। बस अभी हमको एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाना है। अभी देखो, सी प्लस प्लस में जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है, तो बिना कोई टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। पता है हैश इंक्लूड, अभी ये रहा तुम्हारा टर्बो आईडीई, देखो हैश इंक्लूड, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच, उसके बाद हैश इंक्लूड कोनियो डॉट एच, उसके बाद वो हेडर फाइल ऐड करी, इतना हमें पता है। फिर क्या आता है इसमें, इसमें आता है फिर वर्ड मेन फंक्शन, यानी कि जिससे सारा प्रोग्राम शुरू होता है। तो अब ये चीज़ को याद रखना हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा। देखो, हमेशा अगर कोई पूछे कि जो तुम्हारा प्रोग्राम है वो कहाँ से शुरू होता है, ज़्यादातर बच्चे इतने सीधे होते हैं, वो बोलते हैं कि मैम हमारा जो प्रोग्राम है वो होता है हेडर फाइल से शुरू, हैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच कोनियो डॉट एच, वो ये सब करते रहते हैं। पर इसका आंसर गलत है। इसका आंसर ये होता है कि जो प्रोग्राम शुरू होता है वो होता है मेन फंक्शन से, ठीक है। तो सबको यही बोलना है, जब भी कोई पूछे कि प्रोग्राम कहाँ से शुरू होता है, तो सबको यही बोलना है कि जो प्रोग्राम होता है वो मेन फंक्शन से शुरू होता है। अब देखो, वर्ड मेन हमने डाल दिया, ठीक है। अब देखो, ये वाले ब्रैकेट्स का याद रखना है, ये कर्ली ब्रेसेस लगते हैं हमेशा, ठीक है। प्रोग्राम के स्टार्टिंग में और प्रोग्राम के खत्म होने में हमेशा कर्ली ब्रेसेस लगते हैं, इसको हमेशा याद रखना है, कर्ली ब्रेसेस लगते हैं इसमें। और अब जैसे हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो हमें एक प्रोग्राम बनाना है कि जिसमें यूजर इनपुट करेगा स्टूडेंट का डेटाबेस है पूरा, मान लो सिंपल सा। अभी हम ज़्यादा हार्ड नहीं बनाएंगे, जो हमने सीखा सिर्फ उसके बेस पे बनाएंगे, ठीक है। डेटा है पूरा हमें, तो वो जो पिक करना चाहेगा वो उसको वही दिखाएगा, ठीक है। तो क्या करना है इसके अंदर, जैसे मान लो हम किसी स्टूडेंट का डेटा पिक करते हैं, उसका एज, सेक्स, क्लास, रोल नंबर, सब कुछ, ठीक है, सेक्शन वगैरह सब कुछ। तो अभी उसका नाम भी आएगा जैसे मान लो, ठीक है। तो वो हम एग्जांपल में करेंगे सब। क्या करना है इसमें, अभी लिखेंगे इसमें int choice, choice, ठीक है। तो choice हमारे वेरिएबल हो गया, ये एक इंटीजर टाइप वेरिएबल हो गया, ठीक है, int choice। यहाँ लिखेंगे cout /n, /n किस लिए होता है, वो होता है नेक्स्ट लाइन के लिए, पर तब भी हमें /n यूज कर लेना चाहिए, /n। यहाँ पे आएगा एंटर योर चॉइस और यहाँ पे कोलंस, ठीक है। यहाँ पे हम सीन क्या करेंगे, चॉइस करा देंगे, चॉइस, ठीक है। अभी जैसे मैंने पढ़ाया था सी प्लस प्लस में कि पहले तुम चॉइस एंटर करोगे, मतलब पहले तुम बताओगे कि हाँ हम ये चीज करने वाले हैं, उसको भी तुम रीड करा दोगे, डेटा तुमने राइट कराया उसके बाद तुम डेटा रीड कराओगे, बहुत ईजी है। फिर क्या करना है, सीन तुमने करा दिया, बहुत देखो अभी पहले प्रोग्राम को जो चीज़ में समझ में आया ना इसके अंदर, तुम इंस्टाग्राम में तुम मेरे से बटन डाउट पूछ सकते हो। यहाँ मेरा सीन चॉइस हो गया, यहाँ मैंने चॉइस रीड करा दी और सी आउट में मैंने वो चॉइस है वो मैंने राइट करा दी। अब मेरे को क्या करना है, अब मेरे को यूजर की चॉइस लेनी है, तो जो चॉइस है वो इंटीजर टाइप में, यानी कि 0 to 9 में कुछ भी हो सकती है। तो मैं कुछ कर देता हूँ, इफ अपन लिख देते हैं, यार देखो सबसे पहले कोई भी चीज़ शुरू होती है उसके अंदर रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, वही फॉलो करके चॉइस डालनी पड़ेगी। तो हम यहाँ डाल देते हैं सी आउट यूजर can only enter 1, 2 or 3, ठीक है, ये हो गया अभी, ठीक है ये भी हो गया। अब हम कर देते हैं, अब यहां हमारी जो हमने सीखी थी if else condition, अगर तुमने if else का लेक्चर नहीं देखा तो देखो लिंक डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो, जाकर देखो if else का पूरा लेक्चर में समझाया हुआ है if else के बारे में, conditions को हम यूज कैसे करते हैं, ठीक है, उनके ऊपर हम यही चीज करेंगे। मतलब देखो छोटी छोटी चीजों से बहुत बड़ा प्रोग्राम बन जाता है, अगर तुम बेसिक समझ गए तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम्स में तुम गलतियां निकाल के तुम बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो क्या होगा, सी आउट यूजर कैन ओनली एंटर 1, 2, 3, ठीक है, 1, 2 और 3। तो तुम्हारे पास अब क्या होगा, जो भी कोई यूजर होगा, जैसे मान लो तुम ये अभी बना के रन करोगे, तो तुम्हारे पास 3 चॉइस होंगी, 1, 2 और 3। तो अगर तुम 1 पुट करोगे तो कुछ और आएगा, 2 कुछ और, 3 कुछ और, तो वो चीज के लिए हमें अब यहाँ कंडीशन लगानी पड़ेगी। कंडीशन कैसे करेंगे, इफ चॉइस Equal equals to, if choice equal equals to 1, तो क्या शो करेगा, तो क्या शो करेगा, name of student,
नेम ऑफ स्टूडेंट इज राम, ठीक है, इफ हो गया कंडीशन। अगर मैं लिख दूंगा एल्स, तो यार अभी मेरे पास तीन चॉइस हैं, अगर दो चॉइस होती है फिर एक ही चॉइस होती तो इफ और एल्स से ही काम खत्म हो जाता, पर अभी हमारे पास तीन चॉइस है तो हम क्या यूज करेंगे, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ। एल्स इफ को एक साथ नहीं लिखना, एल्स इफ के बीच में स्पेस होना चाहिए। उसके बाद ये दो ब्रेसेस, हमारे सर्कुलर ब्रेसेस, अगर चॉइस वन हुई तो दिखाएगा नेम ऑफ स्टूडेंट इज राम, अगर चॉइस दो हुई तो दिखाएगा उसका रोल नंबर दिखा देगा, ठीक है। एग्जांपल रोल नंबर देते हैं कि रोल नंबर ऑफ राम इज 23 मान लो, ठीक है 23। एल्स इफ, अब यहां पे एक और कंडीशन लगेगी क्योंकि यार देखो थर्ड चॉइस भी है तो थर्ड कंडीशन भी लगाएंगे। एल्स इफ चॉइस इक्वल इक्वल्स टू 3, सी आउट स्लैश एन, देखो नेक्स्ट लाइन के लिए, ताकि देखो यहाँ पे हमने एक यहाँ पे हमें स्लैश एन लगाना था, ठीक है स्लैश एन लगाना है हमें, ताकि सब कुछ सेपरेट लाइन में है, सबकी लाइन अलग हो, ठीक है। सी आउट यहाँ पे दिखाएगा उसका, मान लो रोल नंबर हो गया, अब उसकी ये दिखा देगा क्लास और सेक्शन क्या है, तो क्लास एंड एंड सेक्शन ऑफ राम इज क्लास एंड सेक्शन ऑफ राम इज 12C4, ठीक है, तो ये उसका सेक्शन और उसका क्लास हो गया, ठीक है 12C4 उसका क्लास और सेक्शन हो गया। अब else हमने कर दिया एंड इनकरेक्ट चॉइस, ठीक है, तो यार ये तुम्हारा प्रोग्राम बन गया, ठीक है। मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम हो सकता है, हल्का सा मतलब छोटा सा, बहुत बेसिक सा मेन्यू ड्रिवन प्रोग्राम है, ठीक है। अगर देखो यहाँ पे कोई मेन्यू नहीं है, हमें मेन्यू खुद बनाना पड़ेगा। get CH का मैंने तुम्हें यूज बताया था, वो होता है स्क्रीन होल्ड करने के लिए ताकि आउटपुट हमें दिख जाए, रुक के मतलब स्टेबल आउटपुट है, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे मेन्यू बनाना है, एंटर योर चॉइस से पहले लिखना है सी आउट, दबाओगे तो तुम्हें वो दिखाएगा स्टूडेंट का नाम, अगर तुम 2 दबाओगे तो तुम्हें वो दिखाएगा उसका रोल नंबर, ठीक है 3 दबाओगे तो उसका क्लास सेक्शन दिखाएगा, तो अगर 1 फॉर नेम, ठीक है प्रेस 1 फॉर नेम, एक ये हो गया सी आउट। स्लैश एन का इस्तेमाल करना ना भूलें क्योंकि ये आपकी लाइन को सेपरेट करेगा। प्रेस 2 फॉर रोल नंबर, उसके बाद आएगा प्रेस 3 फॉर क्लास एंड सेक्शन, डाउट प्रेस 3 फॉर क्लास एंड सेक्शन। तो देखो अब जो यूजर आएगा उसको ये पता लग चुका है कि हाँ अगर मैं 1 दबाऊंगा तो नाम दिखाएगा, 2 दबाऊंगा तो रोल नंबर दिखाएगा, 3 दबाऊंगा तो क्लास और सेक्शन दिखाएगा। चलो अब इसे रन करते हैं, कंट्रोल F9 दबाते हैं और ये रन हो गया, सक्सेसफुली रन हो गया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, देखो प्रेस 1 फॉर नेम, प्रेस 2 फॉर रोल नंबर, प्रेस 3 फॉर क्लास एंड सेक्शन। चलो यार हम 3 दबा के देखते हैं क्या दिखाएगा। यूजर कैन ओनली एंटर 1, 2 और 3, कैन ओनली एंटर 1, 2 और 3, ये चीज पहले आनी चाहिए थी ताकि यूजर बाद में चॉइस पुट करे तो 1, 2 और 3 में से पुट करे चॉइस, समझे। अब चलो इसे और थोड़ा फ्लेक्सिबल बनाते हैं, एंटर योर चॉइस यहाँ पे आएगा ये, इसको हम हटाएंगे सी आउट को। यार देखो यही होती है डिबगिंग, मतलब कोई बग तो इसमें इतना खास नहीं था पर यूजर इंटरफेस को यहाँ पे ये प्रोग्राम यूजर फ्रेंडली नहीं हो पाया। यूजर फ्रेंडली जितना प्रोग्राम होगा उतना अच्छा होगा, ठीक है। सी आउट यहाँ पे आएगा, यू कैन ओनली एंटर 1/2/3, ठीक है ये बनाते हैं, अब रन करते हैं। यूज नहीं करना, मतलब यूज करना ना भूलें, ठीक है क्लियर स्क्रीन हमेशा काम कर, CLR SCR, कंट्रोल F9, देखो हो गया रन। अब इसमें क्या आ रहा है, प्रेस 1 फॉर नेम, 2 फॉर रोल नंबर, 3 फॉर
क्लास एंड सेक्शन यू कैन ओनली एंटर 1 2 3 सही हो गया। क्या आएगा रोल नंबर ऑफ राम इज 23 सही है। तो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है। कंट्रोल एफ 9 हम यहाँ पे 1 डाल के दिखेंगे। 1 डाल दिया तो देखो नेम ऑफ स्टूडेंट इज राम। यार ये देखो बहुत आसान सा है, बहुत सिंपल प्रोग्राम है, पर अगर कोई जिसको बिल्कुल कोडिंग नहीं आती बोलेगा पता नहीं क्या लिखा हुआ है इतना सारा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा, पर जो प्रोग्राम करेगा उसको रियल में पता है। ठीक है ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, कोई हवा नहीं है प्रोग्रामिंग, ठीक है ना, सब कुछ हो जाएगा। तो यार आज के लिए इतना ही, C++ में एक एग्जांपल वीडियो थी, बाकी लेक्चर्स कंटिन्यू तुम्हारे होते रहेंगे और पाइथन का भी तुम देख सकते हो अगर कोई इंटरेस्टेड है, वरना रिस्ट्रिक्ट ऑन टू वन लैंग्वेज ओनली अभी के लिए। गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।